अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी ने दलितों को बेवकूफ बनाया, पूरा एमपी को बुलवा करके बेवकूफ बनवाया। हरियाणा में उनका सरकार है ना, हरियाणा ने पूरा कैबिनेट पास कर दिया है कि एससी एसटी में वर्गीकरण होगा, क्रिमिलेयर लागू होगा, और यूपी तैयारी कर रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ और आक्रोशित है कि उन्होंने दलितों को, दलित सांसदों को, दलित नेताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार में सत्ता में आ गए, उसके बाद दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, तो आरक्षण तो बीजेपी जो है जो दलितों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम चाहते हैं अगर वो आरक्षण के हितैषी हैं, दलितों का हितैषी हैं आदिवासियों को, तो केंद्र सरकार से आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाल दे। देखिए, हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया था, आज हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, इससे पूरे देश के दलित में नाराजगी। इसलिए हम लोग भारत बंद, हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एससी एसटी वर्गीकरण का है, क्रिमिलेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। आर्टिकल 341 के तहत किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि दलितों की सूची में बंटवारा करे, आरक्षण का बंदरबांट करे। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हरियाणा में कर रही है, पूरा कैबिनेट से पास कर दिया है, इससे पूरे देश के दलित। हम चाहते हैं कि आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दे। हम लोगों को यह मांग है, पूरे देश में जाति जनगणना कराए। अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने तो इस पे बात नहीं किया है और कहा कि क्रिमिलेयर का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। नहीं तो नहीं रहेगा तो केंद्र सरकार जो तो, और मोदी जी ने दलितों को बेवकूफ बनाया, पूरा एमपी को बुलवा करके बेवकूफ बनवाया। हरियाणा में उनका सरकार है ना, हरियाणा ने पूरा कैबिनेट पास कर दिया है कि एससी एसटी में वर्गीकरण होगा, क्रिमिलेयर लागू होगा, और यूपी तैयारी कर रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ और आक्रोशित है कि उन्होंने दलितों को, दलित सांसदों को, दलित नेताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। लेटरल एंट्री जो यूपीएससी के माध्यम से था, अगर यही भारत बंद का असर है जो वापस लेना पड़ा सरकार को, उसमें आरक्षण का प्रावधान, तो बार बार सरकार जो आरक्षण के खिलाफ में क्यों जा रही है। आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिए हैं, इसलिए आरक्षण से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण से कोई समझौता नहीं होने की बात भी केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है, कोई आरक्षण तो, से छेड़छाड़ नहीं होगा। बीजेपी के भी तमाम नेता ये कह रहे हैं, फिर ये प्रोटेस्ट तो कहने के बाद हरियाणा में कैसे कैबिनेट में पास हो गया कि आरक्षण का वर्गीकरण होगा। ये तो दलितों को धोखा देने का काम, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार में सत्ता में गए, उसके बाद दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, तो आरक्षण तो बीजेपी जो है जो दलितों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम चाहते हैं अगर वो आरक्षण के हितैषी हैं, दलितों का हितैषी हैं आदिवासियों को, तो केंद्र सरकार से आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाल दे। ये हम लोगों का मांग है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी हो सकता था, सड़क जाम करके तो सब लोग शांतिपूर्ण, हम लोग एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, स्कूल के बस है उसको जाने दे रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, पटना के लिए निकलेंगे, डाक बंगला के लिए निकल रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं बताइए कोई उपद्रव है, हम लोग रोड पे खड़ा है, एम्बुलेंस होगा तो उसको जाने के लिए हम लोग दे रहे हैं। ऐसा कोई हम लोग उपद्रव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल फोर्स डिप्यूट कर दिया गया, हम लोग संवैधानिक तरीका, आरक्षण के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो अमर आजाद पास बन जाएगा। हम डरने वाले बेटा नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संतान है, उनके विचारों और संविधान को मानते हैं।